दो को एक साथ पका रहे हैं। बहुत अच्छा तरीका से पक गया। और राकेश यहाँ पर सूप से हवा दे रहा है पीछे से भी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, माँ बेटी हम दोनों फ्रेश हो चुके हैं और सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम में हम लोग का काम शुरू हो गया है। और यहाँ पे देखिए, हम लोग इतना सारा धान सब यहाँ पर हंडी में रखे हुए हैं और यहाँ बड़ा वाला हंडी में इसमें पानी है चूल्हा में, तो चूल्हा के ऊपर में रखे हुए, तो उसको गर्म करना है। और यहाँ पे देखिए इतना सारा धान, अभी उसको सौनी करना है अभी सुबह सुबह में, क्योंकि बड़ी तेज धूप हो जाती है, दिन में काम करने का मन नहीं करता है चूल्हा के पास, क्योंकि ऑलरेडी आग इतनी गर्म होती है कि बहुत ज़्यादा ताव लगने लगता है। तो इसी के वजह से हम लोग सुबह सुबह ये सब काम कर रहे हैं। और इधर हम लोग का खाना वाना बन रहा है यहाँ पे चूल्हा में, और आज हम लोग के यहाँ बनेगा कद्दू की सब्जी। तो फ्रेंड्स, आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए और चलिए अभी खाना वाना बनाते हैं। खाना तो बन ही चुका है, अभी सब्जी बनाना पड़ेगा क्योंकि राकेश भी स्कूल जाएगा ना, तो गौरी का तो एडमिशन नहीं हुआ है स्कूल में। तो फ्रेंड्स, हम लोग खाना वाना खा करके यहाँ पे मैं रेस्ट कर रही हूँ बैठ करके। सानी पहले खा ली थी तो यहाँ पे पढ़ाई कर रही है सानी। अच्छा बेटा, सही कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए सानी क्या क्या लिखी है, इधर क्या कर दी रहे, जड़ गजड़ मज्जड़ कर दी है पूरा, यहाँ पे गंदा कर दिया। तो चलो ठीक लिखी है, सही हो गया, चलो मम्मा सही कर दे। और यहाँ पे इतना सारा कॉपी किताब लेके बैठ गई है पढ़ने के लिए, यहाँ पे चार्ट पेपर सब सब रखा हुआ। हाँ, वन टू, वन टू तब मैथ कॉपी में लिखो, वन टू हाँ उसी में लिखो, लिख के दिखा दो हमको। और सानी के पापा गए हैं छत पे, धान जो हम लोग कल सौने किए थे तो वो वाला धान सूख चुका है, तो उसी को नीचे उतारने के लिए गए हुए हैं। पेन यहाँ पर रहे, तुमको दिखता नहीं है, पेन यहाँ पे लिखो, वन टू भी चलो, हंड्रेड तक लिखना ठीक। आप लोगों को छत लेके चलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम आ रहे हैं आ रहे हैं, रुको ना, तुम बैठ के लिखो ना, मैं पापा के पास जा रही हूँ। सानी बोल रही है मैं भी चलूंगी छत, वैसे बहुत कड़ाके की धूप है। हस्बैंड यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग का धान इतना सूख चुका है, जितना बोरा में रखे हुए सब ओसानी किया हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये धान भी सूख चुका है अभी, यहाँ पे मोबाइल देख देख करके काम कर रहे हैं। आऊंगी। और यहाँ से देखिए, यहाँ चूल्हा के ऊपर में धान रखा हुआ है और नीचे दो दो गो हंडी है, फिर बाल्टीन, उसमें आसानी को देखिए कैसे कर रही है पढ़ाई छोड़ करके। हम आ गए तो वो भी बदमाशी करने लगी। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं अभी छड़ी चलाऊंगी। जल्दी पढ़ो। स्नान करके हम दोनों आ गए हैं खेत। यहाँ पे देखिए ये रहा मकई खेत, जो कि अभी इसमें ये साइड वाला, इसमें भुट्टा लग चुका है, इसमें दाना भी लग गया है। तो यही हम दोनों देख रहे हैं कि और एक बार पटवन लगेगा क्या। हस्बैंड वही पूरा चारों ओर घूम रही है, उसके बाद आज डिसीजन ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि कल तो धान ओसौनी करेंगे, फिर इधर हम कल कैसे आएंगे। तो पूरा परेशान हो गया। आप लोगों को दिखाते हैं, मतलब धूप के वजह से कितना ज़मीन फट गया है। गैस इसमें पानी लगेगा, देखिए पूरा, अभी इसमें भुट्टा लग गया है ना, यहाँ पे देखिए इसमें दाना लगा है। तो किसी किसी में अगर नहीं लगा तो उसमें अच्छी तरह से दाना नहीं लगेगा, तो इसी की वजह से और एक पटवन इसमें देना पड़ेगा, वजह से हस्बैंड परेशान हो गए। और मैं इसलिए इसको लेके आई कि चलो हम दोनों आज चलते हैं, मकई का भुट्टा लाएंगे, हम लोग को खाने का मन कर रहा, अपना खेत का है तो बाजार में लोग खरीद करके खाते हैं, हम लोग का तो अपना रहता फिर भी हम लोग नहीं खाते हैं। तो सोचे कि चलो हम लोग लाते हैं और फिर एक दिन पका करके खा लेंगे, वैसे मतलब उबाल करके, और आज हम लोग क्या बोलते हैं आग में पकाएंगे। तो चलिए अभी निकालते हैं, हस्बैंड को बोलेंगे घुसने के लिए, बीच का वैसे तोड़ करके निकालेंगे और इसके बाद वही हम दोनों जाएंगे। वैसे चारों बगल तो घूम फिर लिए, देख लिए कि खेत का कैसा हाल है। और मेरे पीछे जो दिख रहा है ये पिछला वाला मकई है, इसमें भी अभी जस्ट मतलब भुट्टा लगने के लिए शुरू हुआ है जस्ट। यहाँ पे देखिए नया नया,
अब पानी का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस मकई को भी और ये वाला मकई को भी। थोड़ा सा आगे पीछे, पहले तो ब्लॉग बनाए थे उसमें आप लोग देखे होंगे कि ये थोड़ा सा पहले वाला मकई है और ये थोड़ा बाद में, महीना दिन का और फिर होगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें पूरा दाना वाना लग चुका है और इसमें जस्ट अभी मतलब रेडी हो रहा है भुट्टा बनने के लिए। तोड़ो, अंदर उसमें होगा, बाहर में तोड़ेंगे तो कोई बोलेगा कि कितना कितना तोड़ेंगे। चार को, चार को ना। हाँ, सब लोग खा लेंगे, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अश्विन घुस गए अंदर। में दाना लग चुका है पूरा, वही वाला थोड़ा सा टाइट वाला जिसमें अभी हाल फिलहाल में लगा है, उसको नहीं तोड़ना। बैठ करके मैं एक दो शॉट बना लेती हूँ, वैसे बैठ करके। इतना से हस्बैंड अंदर गए हैं तोड़ने के लिए, तोड़ करके निकालेंगे और वैसे तो पूरा घूम लिया है, इसके बाद चलेंगे घर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इतना तोड़ लिया, कितना है, चार चार चार। तो चले अभी घर, हो गया। धूप के कारण पूरा मकई झुलस गया है ना। खाएगा क्या हुआ? ये तो नीचे गिरा हुआ था ना, नहीं इसको ना उबालेंगे, नहीं पकाएंगे डायरेक्ट। वाह वाह वाह, उसको भगाओ। अरे बकरी बकरी घुस गई रे सामने, ए राकेश भगाओ ना रे बकरी को। सारा छील करके यहाँ पे रख दिया और हस्बैंड बोल रहे कि एक एक परत करके छोड़ना पड़ेगा पत्ता का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने से ही करेंगे, हमको उतना आता नहीं है। वैसे तो हमको आता है लेकिन हस्बैंड बोलते हैं नहीं इस तरह की। क्यों? हम तो कभी वैसे नहीं पकाए हैं, हम तो डायरेक्टली पकाए हैं इसको छील करके पूरा, इसको टकला करके पूरा। सच्ची आग तो पकड़ लिया, हो जाएगा, नहीं होगा, अब के बोलने से नहीं होगा, होगा, हमको पता है, हो जाएगा ऐसे। नहीं उसको लोहा ढूंढ के लाओ ना, गजब हाल है। दो उसमें से ना करे लोग के पास होगा, मैं लेके आती हूँ, ठीक है, रड लेके आती हूँ, ठीक है। इतना से तुम्हें पकड़ करके पका इसको, इसको मैं ऐसे रख। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम लोग मकई पका रहे हैं, एक पका के एक साइड में रख दिए हैं और ये दो को एक साथ पका रहे हैं। बहुत अच्छा तरीका से पक गया और राकेश यहाँ पर सूप से हवा दे रहा है पीछे से भी पीछे से आगे से तावला तो तो। कैमरा से ले रहे हैं, ड्रोन कैमरा से, ड्रोन कैमरा। इसको इसमें हम डाल देते हैं, ठीक है, धीरे धीरे। ये भी आधा पक चुका है,
करो ना हवा धीरे 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 फटके फटके टूट जाएगा क्या फटके फटके टूट जाएगा ये तो पक गया होगा तो हाँ वो रेडी हो गया हाँ रेडी हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पका करके रेडी कर दिए। यहाँ पे दो भुट्टा है एक मेरे लिए और एक हस्बैंड के लिए है। तो यहाँ पे देखिए नमक और मिर्च लेके आ गए हैं अभी खाने के लिए और सबको दे दिए। मतलब जैसे पक गया ना तो सबको दे दिए। और राकेश और गौरी तो पहले ही खाने लगी। सबसे पहले सामी लेके आई। तेरा भुट्टा कहाँ है? तेरा भुट्टा वहाँ पर एक दिन फिर लाएंगे भुट्टा और उस दिन ना ओखली में कूट करके खाएंगे। ठीक मिर्ची क्यों खा रही माँ? खा के कर रहे मम्मा तुमने जानते खाने कर रहे हम जानते खाने का नहीं। एक ग्लास पानी लाता गर्म पानी पानी मुझे लेके आ जाओ आ जाओ तो हम हस्बैंड को बोल रहे थे कि चलो ना खेत चलो ना मेरा दिमाग खराब हो गया खेत जाके दिमाग खराब हो गया फसल देखे फसल मेरा इतना मतलब पानी तो रही है नहीं खेत में दिमाग खराब नहीं होगा किसान को किसान है ना उसे जैसे मसला ज्यादा खराब हो रहा है। हम लोग ना भुट्टा बाहर में खरीद करके नहीं खाते हम लोग घर में तो क्या खाना फ्रेश फ्रेश लेके आते हैं। सामी अपना खा के खत्म कर दिया हमको हेल्प कर रही है खाने के लिए हेल्प कर रही है हमको। तो फ्रेंड्स अब खा लो ये हम लोग तो भुट्टा खा रहे अगर बता देते तो आप लोग भी खा लेते तो चले कोई बात नहीं जब आप लोगों को मिल जाए तो आप लोग खा लो तुम तो खा रही हो रे तब झाले रे मिर्च झाले। अभी हम लोग खाना वाना चढ़ा दे भुट्टा पका रहे थे उसी समय मैं राकेश को बोली कि तुम खाना वाना चढ़ा दो एक साइड में उधर मेरा भुट्टा भी पक गया और खाना भी चढ़ा दे। वैसे हम लोग अभी फिलहाल चूल्हा में ही बना रहे हैं जितना अक्टूबर से हम लोग चूल्हा पे ही बना रहे हैं खाना। तो चले अभी मकई पहले खा लेते हैं और इसके बाद खाना वाना बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आप लोगों को कैसे लगा आज का व्लॉग? अगर अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय शुभ रात्रि गुड नाइट मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में।